देखो। मैं चौधरी यशपाल सिंह आज कामाख्या देवी की 108 महाकुंभ यज्ञ होने जा रही है शास्त्रीपुरम सुनारी रोड पर जेसीबी चौराहे पर और जोनल पार्क से लेकर जो यहाँ से निकली है कलश यात्रा निकलेगी जोनल पार्क से लेकर और 108 महाकुंभ जो यज्ञ होने जा रही है वहाँ पे जाएगी। मैं राहुल अग्रवाल माँ कामाख्या आयोजन समिति के मुख्य संयोजक। आज यहाँ कल से ये यज्ञ का आगाज हो रहा है। आज यहाँ पर कलश यात्रा का एक कार्यक्रम रखा गया है जहाँ पर हजारों संख्याओं में महिलाओं को कलश वितरित किए जाएंगे और ये जोनल पार्क शांतिपुरम से स्थित होते हुए यज्ञ स्थल तक पहुँचेगी। सभी महिलाओं का बहुत सारा उत्साह है और यहाँ महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। इस कार्यक्रम की भव्यता आप देख रहे होंगे, यहाँ काफ़ी तरह के संत समागम लोग आए हुए हैं। मैं कामना करता हूँ कि ये यज्ञ का आगाज एक आगरा की कुंभ बनेगा। जय माँ, जय माता जगदम्बा, जय आज शक्ति जगदम्बा। ये जो अभियान लाए हैं बहुत सुंदर, यहाँ का नागरिक के लिए अभियान है। इसमें तन मन धन से जोर लगा कर को और इस शोभा को आगे मुंह बढ़ाइए। इसके अलावा और विशेष कुछ क्या कहूँगा, इसके हिसाब वाणी को विराम करता। जय श्री राम। माँ कामाख्या की जय। कामाख्या काम संपन्न कामेश्वरी हरा प्रिय कामनांग देह नित्यमेव कामेश्वरी नमोस्तुते। आज अद्भुत संयोग है, ये चार महीने का जो हम लोग का और आगरा वासी का जो कठोर परिश्रम कठोर साधना था उसकी आज कलश यात्रा है। आज महामंगल की कलश यात्रा है, ये महा कामाख्या महाकुंभ की कलश यात्रा है जिसमें अनेक साधु महात्मा संत ऋषि हमारे आदरणीय मौनी बाबा हमारे श्री त्यागी गोपाल दास महंत जी पधारे हैं। मानो कि ये महामा कामाख्या का महाकुंभ आज आगरा के इस पावन पवित्र धरती पर लग रहा है और हम सब आगरा वासी से विशेष निवेदन करेंगे कि आप सब आकर कलश यात्रा में तो सब आगरा है ही, अब कल से आहुति में सब अपना तन मन और धन सब चीज जो चाहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राः पश्यन्ति, मा कलेषु दुःख भाग् भवेत्। जिसकी जो कामना होगी वही कामना माँ राधराजेश्वरी माँ कामाख्या सिद्ध करेगी। इसलिए हम आगरा वासी से विशेष अपील भी करते हैं इस कलश यात्रा और कलश शोभा यात्रा के माध्यम से कि आप लोग जुड़े और एक आहुति आप लोग दें माँ कामाख्या को।